इस चुभती गर्मी से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल जा रहे हैं और हम है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है संपर्क क्रांति, उसकी हमने सेकंड सीट रिजर्व की है और वो आने वाली है 4 बजे, जो कि हमें पहुँचाएगी 10:45 तक काठ गोदाम। फिर वहाँ से हम आगे नैनीताल जाएंगे, तो आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहना। तो आप नैनीताल क्यों जा रहे हैं? उसकी बर्थडे पे, उसका नाम सोनिया है, अच्छा। हमारी फ्रेंड है, उसका बर्थडे साथ है। हमारी मोड़ी है, मोड़ी। क्या है? मोड़ी। तो तुम अपने बर्थडे में दिल्ली में नहीं रहना चाहती हैं? ठंडी जगह जाना, पहाड़ों में। हमारा ये मानना है कि हम यहाँ पे 4-5 हज़ार डिश में खराब करके नैनीताल की वादियों में खराब करके, मतलब तालों में, नौ ताले वादियों में मजे लें। अच्छा, क्या क्या अपनी थोड़ा बताएंगे, क्या क्या करने वाले आप वहाँ पे? मस्ती मस्ती। कौन कौन आया बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। तुलसी पहली बार। पहली बार कैसा लग रहा है? पहली बार आता, सेकंड टाइम जरूर आता है। ये तो है, हमारे साथ जो पहली बार आता है वो बार बार आता है, ये मम्मी दूसरी बार सोनिया हर बार, हमें बार 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 और आ गई है हमारी ट्रेन संपर्क क्रांति। देखिए गाइस, हमने बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में संपर्क क्रांति में, और ये देखिए हमने सीट ले ली है अपनी अपनी। अमाड़ी सीट ले ली मजे में। अब चलने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली से दूर। ये नेहा हमेशा परेशान सी क्यों रहती हो? ये सबको एडजस्ट करने में। हाँ, ये देखिए ट्रेन की सीट्स अच्छी है, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ऐसी कुछ ट्रेन है, ये हमारी सीट सर, और हमारी सीट हमने बुक की है ओनली 120 में, सेकंड सीट। इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली, यू कैन ट्रैवल इन दिस ट्रेन। बहुत गर्मी है, तभी तो दूर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नैनीताल, बाय बाय दिल्ली से ट्रेन। हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, बाय बाय न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली। खाना पीना शुरू हो गया हमारा, क्या मैं थोड़ा ठंडा रखी। गाइस, शाम के बज गए हैं 6:30, और ये देखिए इनका नया तरीका, ये सीट के ऊपर बैठ गए। ऐसा कैसे सोचा आपने? इससे ना बहुत रिलीफ मिल रहा है, मतलब अगर आप ऐसे किसी सीट पे बैठे हो तो यहाँ पे जरूर बैठे, इससे रिलीफ मिलेगा। और अगर टीटी आ गए तो तुमको मार के भगाएंगे। गाइस, हमारी ट्रेन यहाँ रुकी है 30 मिनट के लिए। ये है मुरादाबाद, हम लोगों ने पानी भर लिया है। कैसा जा रहा है सफ़र? बहुत अच्छा, अच्छा। थोड़ा गर्मी से तो बाहर आ गए हैं, थोड़ी और मौसम देखिए वहाँ पे कैसा। तो चलते हैं हम वापस से।
गया हमारा कोच। क्यों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? यहाँ पे हमारी ट्रेन उतरे मुरादाबाद में उतरे हैं। यहाँ पे 40 मिनट लिखा था और हम अभी 40 मिनट भी डिले हैं। हमारी ट्रेन डिले है थोड़ी सी। कहाँ पहुँचे हम? हम लाल गोवा पार कर लिए और हम हल्द्वानी ले जा रहे हैं। हल्द्वानी 11 बज के ट्रेन थोड़ा लेट चल रही है, एक घंटा लेट। बाकी सबकी आते हैं, ये देखिए सब टाटा फेस हो चुके हैं, आने वाले हैं गाइस। हम पूरे 11:30 बजे उतरे आ गए हैं। हम एक घंटा लेट टाइम का बात है। हाँ आधा घंटा देखने के चक्कर में क्या 45 मिनट्स लेट है। ये देखिए रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। आइए मुसाफिर नंबर 2, 3, 4। ये देखिए हवा है, क्या मस्त चल रही है, लेकिन हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है पर ठंड नहीं है बिल्कुल भी। आप आई हेलो गाइस, देखिए के बज रहे हैं 2:22 गोदाम के क्या कर रहे हैं? 2:22 एक्चुअली मैंने यहाँ पे डोरमेटिंग रूम रिटायरिंग रूम बुक कराया था, तो वो एक ही रूम बुक हुआ है जिसपे दो बंदे स्टे कर सकते थे और हम थे 6, तो हमने अब एडजस्टमेंट चल गया हमारी। हम यहाँ लेडीज वेटिंग रूम में वेट करते हैं, जो कोई आ गया है तो थोड़ा सा अभी तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। वेटिंग रूम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब हम सुबह जाएंगे अपनी नैनीताल की बस के लिए, जब तक अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं और आपकी ट्रेन लेट है तो आपको यहाँ पे एक रिटायरिंग रूम है, एक PNR से एक 4-1 पर्सन। नहीं 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 ऐसा नहीं है PNR का, इसका यह है कि अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने बिल्कुल कल करवाया था, तो ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल तो होगी। एक डबल बेड रूम का था तो मैंने कर दिया, बाकी हुए नहीं। फिर भी हमने 2 पर्सन की चालाकी करके 3 पर्सन डाल दिए अपने उसमें। नहीं 2 पर्सन थे, 1 पर्सन एक्स्ट्रा कर दिया। हाँ थोड़ा थोड़ा ना बहुत डेट है, आप ये मत सोचना बिल्कुल भी एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे, कुछ बिल्कुल नहीं करने वाले। सही बता रहे बहुत डेट है, चले फालतू की बातें बोलते सर दर्द कर देते हैं, एक मिनट भी रुकते हैं, खाली करवाते हैं बस। तो आप पहले ही अपना या तो डॉर्मेट्री बुक करा के चले, रूम बुक करा के चले, और ये बहुत बहुत शुभ सान है। इतना वैसे तो कोई डर की बात नहीं है, पुलिस वाले भी आए थे। हाँ पुलिस वाले भी आके चेक करके गए, यहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, तो सेफ्टी है। और लेडीज वालों को दिखा दिया, बहुत सही सेफ्टी है, सब तरीके वाली बात है। बोलो ठीक है, फिर कल दिखाते हैं आपको कुछ चीज करनी। ये देखिए हमारा रिटायरिंग रूम डबल बेड का, कुछ इस तरह का है रूम, अच्छा है। सफाई पे ये थोड़ा स्मेली टाइप का, एसी बहुत आवाज कर रहा था, और सबसे बड़ी इनकी फैसिलिटी भी बहुत खराब लगी, बट रूम इज नाइस। ये पूरा रूम है, अंदर बाथरूम है, इधर वॉशरूम एंड बाथरूम, मतलब पूरा है एरिया है। देखिए थोड़ा स्मेली है, सॉरी। ठीक है, और ये हमारे रूम से बाहर निकलते ही छत है, ये है छत पूरी, ये व्यू है यहाँ का नाइस। ये देखिए हमारे छत से नज़ारा, जहाँ पे हमने रूम लिया है। ये रेलवे स्टेशन है काठगोदाम का, देखिए आप, ये पूरा काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है, और ये जहाँ रूम लिया हुआ है उसके साथ की जगह है। और ये कौन सा मंथ है? जून का मंथ है, मतलब बहुत नॉर्मल वेदर है इधर, बहुत प्यारा सा वेदर है, ठंड बिल्कुल नहीं है। उम्मीद भी मत करना, मत करना, लवली वेदर।
ये है हमारा रेलवे स्टेशन जहाँ हम रुके थे और अब हम लिए निकल गए हैं सब। अभी देखते हैं हम टैक्सी करते हैं बस। तो टैक्सी वालों ने हमें बताया है 1200 रुपये में 9 सीटर गाड़ी तो रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि हम बस से ही जाएं। बट यहाँ पे जून में आए हैं, बट नॉर्मल वेदर है, लाइक ठंड नहीं है। बात करते हैं, देखते कैसे जाते हैं। देखिए गाइस, हमने अपनी खुद की टैक्सी बुक की है, बहुत ही बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको। 1200 बोल रहे थे ये सारे, लेकिन हमने 700 में मनाया इनको, हम 6 जने हैं। तो आप आइए तो बार्गेनिंग कीजिए टैक्सी वालों से, नहीं तो अगर आप बस लेना चाहते हैं तो 65 पर पर्सन जाती है। खाते हो आप लोग? हाँ तो तिब्बती मार्केट में सोनम फास्ट फूड नाम से एक शॉप होगी, उसकी मोमो खाइएगा। क्या नाम बताया? सोनम फास्ट फूड। सोनम फास्ट तिब्बती मार्केट की तरह वो नैना देवी मंदिर के जस्ट सामने ही है। ठीक है, तो जरूर खाएंगे। हम जा रहे हैं नैनीताल, हमने कर लो आधे डिस्टेंस 15 किलोमीटर काठ गोदाम से, अब रह गए 15 किलोमीटर। और कुछ हम आए वीर पासिंग, देखो वीर पासिंग ग्रोवर से, हम यहाँ बैठे हुए थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मोड पे, यहाँ सबको लड़की आ रही तो किसी को नहीं आ रही। गाइस देखिए, हमने फाइनली अपना होटल बुक कर लिया है जो कि है होटल बसेरा। यहाँ के रूम हमें अच्छे लगे हैं, ये देखिए ये है हमारा रूम। मैं आपको बताऊंगी हमें कितने का पड़ा है। इसमें 2 बेड्स है और काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ से लेक व्यू भी दिखता है। ये हमने 2 नाइट्स के लिए बुक किया है, तो अभी हम बस रेडी हो गए हैं और हम निकलने वाले हैं, थोड़ी साइट सीन करेंगे और पहले लंच करेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है, हमें बहुत थक गए हम कि हमने बहुत देर से ये ढूंढा होटल बसेरा अच्छा है। मैं आपको बताऊंगी हमें कितने में पड़ा, तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए घुमंतु गर्ल्स। ये हम सब हो गए हैं तैयार, अब खाने का हो रहा है इंतजार। ये है बर्थडे गर्ल जो बनी हुई है मैडम क्यूरी, इंग्लैंड की महारानी। सब चकाचक तैयार हो गए हैं, खाने का इंतजार है, फिर हम घूमने जाएंगे। ये मैकलोडगंज के कपड़े हमने आज पहने हैं। आज क्या, ये आ गया है हमारा खाना इतना वेट करने के बाद। खाना एक नंबर है, बट फूड इज गुड। अचार, अचार दाल पनीर पनीर। चलिए हम अपना फूड एंजॉय करते हैं, फिर हम जाएंगे बाहर घूमने। रोटी कितनी बोल रही? तो 3 दिन खा लूंगा मैं। ये आ गए हमारी तुलसी मैम, ये आ गई है दूसरी नंबर, ये मैम तुलसी मैम, ये नेहा की मॉम,
ये हमारी गोरी मैम, मोड़ी मैम, और ये हमारा हीरो जो हमें टूर करा दिस इज माय बॉयफ्रेंड माय गर्लफ्रेंड माय गर्लफ्रेंड माय सन और तुम्हारे लॉक लगा दिया। तो अब हम सब लोग ने खाना भी खा लिया है, अब हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम सब? बोटिंग के लिए। नैना देवी जा रहे हैं, वहाँ से हम बोटिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे। चाय सर में दर्द हो रहा है हमारे। हेलो फ्रेंड्स, चलो बाय। चलो तो बॉन्ड हाथ में हाथ बांध बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल और नज़ारा यहाँ देखिए कितनी मार्केट्स है और बहुत भीड़ है। ये लेक बोटिंग भी करेंगे हम शाम के टाइम पे। ये भुट्टे वाला भैया हम आ गए हैं नैना देवी टेम्पल, दर्शन करते हैं। ओके द रारी पहाड़ी स्टोर, पहाड़ी स्टोर पे नहीं आए हम चाय पीने आए। ये आए हम चाय पीने, ये भैया बना रहे हैं बढ़िया अदरक मार के चाय है। सुबह से घूम रहे हैं रात से, अब हम चाय पियेंगे। खाना खा लिया, बस हम चाय का वेट कर रहे हैं। ये बढ़िया चाय, ये देखिए वैसे यू लुक गुड। थैंक यू। ये देखिए गाइस, हमें इतना जोर आ रहा है कि हम इस चेयर पे फंस गए हैं। भैया ने हमें बोला गोवा बना दिया इसको, गोवा वाले बीच पे गोवा भी जाएंगे भैया। चाय चाय आ गई, आ गई हमारी चाय। देखिए गाइस, हम 5:30 बजे आए हैं बोटिंग करने, फिर भी देखिए पूरी ये जो तल्ली ताल है पूरी भरी पड़ी है। देखिए ये देखिए, शाम में भी ये है यहाँ का नज़ारा। आप ऐसे फोटोज भी खिंचा सकते हैं। चलिए अब हम बोटिंग तो करनी है ही, करते हैं बोटिंग। चलिए दोस्तों चलते हैं बोटिंग करने। गाइस हम आ गए हैं बोटिंग करने, मेरी बर्थडे गर्ल जिसका बर्थडे आने ही वाला है। यार वेटिंग करना पड़ेगा, काफी भीड़ है। क्या हिसाब है बोटिंग का बताएंगे? 2 मिनट। गाइस हमने बोटिंग का पता किया है, इसमें 210 में आपको 3 पर्सन बिठाएंगे एक बोट में, तो हम 3-3 करके 2 बोट्स ले रहे हैं।
और पहले डिसाइड कर लो तीन तीन बंदे कौन बैठने वाले हैं, फिर बाद में लड़ाई ना हो। हम लड़ाई नहीं करते, हम आराम से बैठ जाते हैं। तीन तीन एडजस्ट हो जाना अपने हिसाब से, चलो ठीक है। फिर हम इन्होंने बोला है हमें 6:30 तक घुमाएंगे, देखते हैं कितना घुमाते हैं। अभी हम टिकट्स लेने गए, ये हमने अपनी बोट कर ली है, हम अपने बोट में बैठ रहे हैं। ये रही हमारी बोट, हम तीन एक साथ। ये हमारी बोट है, ये बहुत डगमग कर रही है। बैठ जाओ, ये हम बैठ रहे हैं अपनी बोट में गाइस। गाइस हमने पहन ली है अपनी लाइफ जैकेट्स, इसको बिठाओ उधर, आप इधर आ जाओ। और ये हमारे तीन बाकी के साथी, हेलो। ये हमारी बोट चल गई है, इन्होंने हमें बोला है 20 से 22 मिनट, पर हम 25 मिनट तो लेंगे। ये देखते हैं, अच्छा मतलब मर भी सकते हैं क्या? तो आज पक्का ही मरेगा भाई, हमें घेरना मत भाई, हमें घेरना मत, हमें जिंदगी जीनी है अभी, इतनी सुंदर जिंदगी है। 20-25 किलो बस मेरे को तो दूध लग गए। कहाँ है दूसरे बंदे हमारे? भैया जल्दी जल्दी ले जाना हमारे को तो देखना है। नहीं नहीं जल्दी नहीं, पूरा टाइम लेंगे। अरे हमारे दूसरे बंदे कहाँ गए? वो हमें नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए? वो रहे वो रहे, नहीं नहीं वो नहीं है, कोई और है। मतलब आप नैनीताल आ रहे हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, अलग ही मजा है इसका। ये देखिए आप यहाँ की पहाड़ियाँ, और ये कौन सी लेक है? ये नैनी लेक, नैनी लेक में बोटिंग। ये देखिए हम है नैनीताल, ये है नैनी लेक, और ये है पागल माय मॉम। बहुत मजा आ रहा है हमें नैनी लेक में, हम कर रहे हैं बोटिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम नहीं कर रहे हैं, पीछे भाइया कर रहा है अंकल जी। मजा आ रहा है, ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द नैनी लेक, लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ बिकॉज नो वन नोज व्हेन इट विल कम बैक और नॉट। ये अनीता देखो इधर, सोनिया को पीछे हटो तुलसी थोड़ा, ये दूर है चांद सितारे। वाह वाह वाह, ये हमारी बोट है, इनकी बोट बिल्कुल आजाद। बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है, क्या बात।
इंडियन आइडल वाले तुम पत्थर मार के जाएंगे। आई झील में से सोने को बाहर निकल के आएगा, बोलेगा बस करो। क्या बात, बढ़िया वीडियो बन रही है। हाँ तुलसी, आप गिर गए तो पानी बाहर आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर, बर्थडे टू यू। वी आर इन नैनीताल इन नैनी लेक एंड वी ऑल हैविंग फन।